बैक टू आर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक हो गए। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा सैड है क्योंकि आज भागवत का लास्ट दिन है और अभी है हवन, तो अभी हम जा रहे हैं हवन पे। तो उसके बाद क्या कुछ रहेगा, झांकी वगैरह होगी या नहीं होगी, मैं आपके साथ व्लॉग में शेयर करती रहूँगी। और दोनों व्लॉग कन्हैया के अपलोड हो चुके हैं, आप देखना और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चलो हम जा रहे हैं फटाफट से, अब लेट हो गए हैं काफ़ी। यहाँ पे हवन होगा और वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और मैं तो बाहर बैठी हूँ अभी। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनोहरिः ॐ पूर्वस्य प्रसिद्धि मंत्रस्य मेरुपृष्ठे सूत्रं सन्धाय कुर्मो देता आसन पवित्र करने विनियोगः पृथ्वी द्वयाद तालोका देवी त्वा विष्णुना कृता त्वं च धराय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं हरिकाधार शक्तेन कमलासनाय नमः पद्मासनाय विमलासनाय नमो नमः। येन वद्धो बलि पुरुष कौन है? वो जगत परमपिता परमात्मा, उससे बड़ा ना कोई जग में है, ना हुआ ना होगा। हम सभी संसार के सभी नर्तक और नारियां हैं, वो हमें नचाता है और हम नाचते हैं, वो हमें खिलाता है तो हम खाते हैं और उसकी कृपा होती है तो उसके गुण भी हम गाते हैं। बगैर मेरे ठाकुर के, मेरे सांवरे के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। और आप क्या सोचते हो कि ऐसे होगा ना, उसकी कृपा मेरे सामने के भागवत कथा के कुछ दो ऐसे हैं जो साक्षात हमारे ऊपर लगे हुए होते हैं। और रही बात अब अपनी, तो इस बात को एक बात और सुनाता हूँ आपको कि हम सब परमात्मा ने इस धरती पर तारे हैं और सुमरण करण करते हैं, लेकिन काल महाराज ने क्या कर दिया, इस आत्मा को ऊपर एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेटर टेक दिया जिसको आप बोलते हैं मन। मन इंसान का एक कितनी गति से पता नहीं कहां कहां घूमेगा, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा की अंश है। सोच के देखो, कभी भी आप लोगों ने कभी भी बोले बटके से या कोई हकीकत में काम करता है कि भाई कोई गलत काम करा, पर आत्मा ने कह दिया ना को नहीं करना। लेकिन वो जो काल पकी मन है ना, जो लालच भले भले ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों को मेरे दरवाजे आने के लिए आज्ञा किसने मांगी? ब्राह्मण मेरे पास कभी भी आ सकते हैं। ब्राह्मणों शमुकमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य जद्वैश्यः पदभ्याम शूद्र अजायता। उन्होंने कहा कि अरे ब्राह्मणों को भेजो, अंदर भेजो जल्दी से जल्दी। वो बोले नाम बता पहले उसका क्या है। उन्होंने कहा कि अपना नाम बता रहा है सुदामा।
जैसे ही महाराज भगवान ने सुदामा का नाम सुना, भगवान अपना सिंहासन छोड़ करके जो भागे महाराज, जितनी थालियां श्रृंगार की घड़ी थी सभी को हाथ मार मार के भाग गए कि सुदामा आया, मेरा मित्र आ गया सुदामा। बोले सुदामा जी महाराज की, आइए सुदामा जी के दर्शन करिए कैसे आया। बोले द्वारिका नाथ भगवान देखो ये गरीबी कहा, मेरे बचपन का यार है, घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे लगन छोड़ दूंगा।
जय जय श्री राधे। अब आरती ले लीजिए सभी, यहाँ पर आ जाइए, यहीं पर आ जाइए, आरती करेंगे सभी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय। फिर उसके बाद क्या बोले कि सुदामा जी हमें आशीर्वाद देकर जाओ। जब जाने लगे तो जब जाने लगे सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे और क्या बोले, भगवान ने कहा कि सबरन गोपियों के साथ हम सब एक साथ रास रचाते थे, खेला कूदा करते थे, तो आज मेरी इतनी पत्नियां हैं उनको तुम आशीर्वाद दो। सुदामा जी ने हर एक पत्नी को आशीर्वाद दिया। तो आज हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं और मम्मी और भी आ गए थे, झांकी वगैरह निकाली थी, भंडारा वगैरह खा के आ गए थे हम, और सबको ये मिले हैं यहाँ पे, जिन्होंने भी झांकी वगैरह निकाली, जिन्होंने भी सेवा वगैरह करवाई है, और ये कलश था जो कि हम घर पे ले आए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर, भाई ने बोला कि आशू और दोडो भी हो रहे हैं बाहर वाले, वो उसकी मिट्टी में बैठे हैं जहाँ पे खाना बना रहे हैं अपना। तो मैं अभी थोड़ा सा आराम कर रही थी, उठी हूँ, कल मैं खाना की ड्रेसेस वगैरह देके आऊँगी। और बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग अपलोड हो गए हैं, और इससे अगला व्लॉग है शादी का व्लॉग रहेगा। मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के भाई की शादी में, तो वो भी व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो हर एक व्लॉग को प्यार दिया करो गाइज, ऐसे ही जुड़ते रहो मेरे साथ, और मैं भी आपके साथ कुछ ना कुछ नया करती रहूँगी व्लॉग में। जैसे कि आपने अभी देखा मेरा कीर्तन का रूप, आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। अभी मैं जा रही हूँ बाहर, देखते कि आशू क्या कर रही है, उठ गई है, वहीं बैठी है, और मैं क्या कर रही है, ये दोनों तो बैठी है, मट्टो नहीं रुकती। खुशू आप वहाँ से कूटे हो बेटा, खुश है वहाँ से उठ गई, देखो खाड़ा सा बना रखा इसने, कितना अच्छा लग रहा है, मिट्टी पापा से मंगवाई थी इसने आज। बेटा खेल रहे हो, ये बच्चे खेल रहे हैं ना, इनकी बॉल उठा लाएगी और देगी भी नहीं, मुंह में पकड़ के अंदर घुस जाएगी आज, इसको दिखी नहीं कहाँ गई बॉल, कुछ नहीं बोलेगी, इसको दिख गई तो अंदर ले जाएगी, कहाँ है।